नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। खबर राजस्थान से है, जहां के भरतपुर जिले में स्कूल में एक शिक्षक के बेटी को थप्पड़ मारने से नाराज सेना के जवान ने कथित तौर पर गोलीबारी की, जिसमें एक महिला घायल हो गई। वहीं पुलिस ने बताया कि यह घटना कनवाड़ा गांव में हुई, जहां सेना के जवान पप्पू गुर्जर की बेटी गृह कार्य नहीं करने पर स्कूल के एक शिक्षक ने उसकी बेटी को कथित तौर पर थप्पड़ मार दिया। सेना का जवान पप्पू गुर्जर सोमवार को स्कूल के निदेशक से मिलने गया हुआ था। उन्होंने बताया कि जवान की बेटी ने करीब 20 दिन पहले अपने पिता से शिकायत में कहा था कि उसके द्वारा होमवर्क नहीं करने पर एक शिक्षक ने उसे थप्पड़ मार दिया। वही जवान छुट्टियों में घर आया हुआ था और स्कूल संचालक से मिलने गया था। वह स्कूल में अपने साथ लाइसेंसी बंदूक भी लेकर गया। उन्होंने बताया कि स्कूल संचालक के साथ कहासुनी के बीच गुर्जर ने उस पर बंदूक तान दी और इस दौरान सैनिक के द्वारा की गई गोलीबारी में बीच बचाव करने आई संचालक की पत्नी के हाथ में गोली लग गई। कामा थाना अधिकारी दौलत सिंह ने बताया कि आरोपी जवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, वहीं उसकी तलाश भी की जा रही है। फायरिंग के बाद जवान घटनास्थल से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।